कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुः मा तिष्ठोऽस्तु विकर्मणि। सांस में बैठा, वन टू थ्री। लटक लिए तुम उल्टे सीधे, और वो भी तुम्हारी कला की सेवा। खूब नाच नाचना क्या पिताजी, उछलना कूदना का ऐसा ऐसा नाचती है माँ। अरे बाप बेटा, तेरा जवाब नहीं। दीदी जी, नहाने का पानी रख दिया है, जा नहा लेंगे। जरा पसीना तो सूख जाने दो। पसीना तो सूख जाने दो, कुछ समझती भी नहीं माँ। हाँ, मैं तो कुछ नहीं समझती, एक तू समझता है और एक तेरा बाप। देखो माँ, बाप तो नहीं पढ़ना। पढ़ाया बाप का बेटा, पहुँचूंगी तो क्या करेगा? क्या करूँगा, कुछ नहीं। अरे बहुत समझदार है मेरा बेटा। राजा बेटा बहुत समझदार। ये तुम्हारा थोड़ी है, ये तो पिताजी का है, ये तुम्हारा है। भूल हुई। जाओ बेटा, चलो अब नहाने चले। हाँ राजा बेटा नहाने जाएगा, राजा बेटा कपड़े उतारेगा। हाँ।
अब राजा बेटा चड्डी उतारेगा। क्यों? मैं बड़ा हो गया हूँ। अबे चल बड़े का बच्चा, चल उतार चड्डी। मुझे शर्म लगती है। ओ शर्म लगती है, अबे चल उतार चड्डी ना है। चलो अभी तुम मेरे सामने नंगे हो, फिर मैं क्यों? अच्छा बाबा चल तू बैठ, स्कूल से देर हो रही है, है? और जरा नहाए हरि ओ सुन लिया बड़े अफसर, कितनी देर कर दी माने। चलो पिताजी लाए पप्पी दे मीठा के खट्टा मीठा। हो लो खट्टा या मीठा जाओ टाटा। नमस्ते अमर बाबू। नमस्ते लाला जी। नमस्ते चाचा। जीते रहो बेटे, भगवान तुम्हें सुखी रखे। रखती है। अच्छा जा करके रखना है। देखना गिरे नहीं। क्यों भाई आतर सिंह, 50 बोरी है ना? 60 कर दूंगा 50 की मुंशी। 60? अच्छा तो लिख दूं साहब। हो तो 70 लिख दो। नहीं नहीं पहलवान इतना खाओ जितना हजम हो जाए। 60 ठीक है, 60 ठीक। अरे मुंशी एक बोरी सीमेंट 10 बोरी रेत खाता है। 70 लिख दो 70, 20 बोरी रेत और बढ़ा दूंगा। नहीं नहीं पहलवान, 10 बोरी की बेमानी बहुत काफी होती है, बस में तुम 10 ही बढ़ाना। मुंशी यार तू बड़े छोटे दिल का आदमी है, मैं तेरी जगह होता तो प्रकाश की टक्कर का ठेकेदार बनता। अजी हटाओ पहलवान, क्या करना है ठेकेदार बन के, तुम ड्राइवर मैं गोदाम का मुंशी, बस करो काम और भजो राम। मुंशी जी बुजदिली और बेईमानी साथ साथ नहीं चलती। नहीं 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 पहलवान मैं बुजदिल नहीं हूँ, लेकिन डर लगता है। अरे मुंशी अतर सिंह है तुम्हारा साथी, सब अफा दफा अपने सर पे ले लूंगा। शाबाश बस तुम मेरा साथ नहीं छोड़ना। मैनेजर मैनेजर नमस्ते अमर बाबू। राम राम। नदी पार भेज रहे हो ना सीमेंट? जी हाँ उस पार। अच्छा कितनी बोरियां हैं? जी 60 है। 60 ठीक है। साहब हैं अंदर? हाँ हाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे आओ भाई अमर, एम ए टाइगर कम। मैंने समझा आपने मेरी जगह ये नया मैनेजर रख लिया है। तो वैसे तो काफी होशियार है। और फिर तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ेगी। मेरे एक फ्रेंड मुझे दे गए, अच्छा साथी, और मुझे साथी की जरूरत भी है। साथी भी ढूंढा तो कुत्ता, प्रकाश बाबू कोई जीवन साथी तलाश कीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है भगवान ने लड़की नहीं पैदा की अपने लिए। आखिर कैसी लड़की चाहिए आपको, मैं ही तलाश कर दूं? गांव की सदाकत, शहर की लियाकत, लखनऊ की नजाकत, कश्मीर का रंग और बंगाल का ढंग। ये लड़की हुई या हिंदुस्तान का ज्योग्राफिया? ये ज्योग्राफिया हर कुवारे को पढ़ना पड़ता प्यारे, समझे? खैर जाने दे उन बातों को। चीफ इंजीनियर का लेटर हजरत लिखते हैं कि सीमेंट में मिलावट है। मिलावट है? ये कैसे हो सकता है, यूं ही लिख मारा। हाँ, इस टेंडर का क्या किया जाए? ये तुम्हारा काम है, तुम जानो, मैं तो चला। चल टाइगर कम।
ओहो कुत्ता घंटी बजा रहा है, बाप रे, अबे घंटी बजाना आता है पढ़ना नहीं आता? ये प्रकाश बाबू का मकान है, कोई मटन की दुकान नहीं है, भाग यहां से। अच्छा जाता है यहां से या जूते से बात करूं? सुन टाइगर, प्यारोलाल बहुत भला आदमी, उससे शराफत से पेश आना, समझे? That's good टाइगर, that's good। लीजिए, ले आया दूध। अरे प्यारोलाल, ये गिलास में दूध कैसे पिएगा? प्याला भी लाया हूँ और ये चमचा भी। फरमाइए और कुत्ते साहब के लिए क्या लाऊं? कुछ अंडा, टोस्ट, आमले, सिगरेट। सिगरेट अब चुप भी रहो। अब तो चुप ही रहना पड़ेगा, भौंकने में मैं इसका मुकाबला तो नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, आप आराम से दूध पीजिए। कहां से उठा लाया इस बला को? एक अंग्रेज दोस्त दे गया। अंग्रेज दोस्त ने दिया भी तो कुत्ता, गाय देता तो दूध मिलता, सुबह उठकर गौ माता के दर्शन तो होते। तुम नहीं जानते प्यारे लाल, ये एक बहुत अच्छा जानवर है, घर की रखवाली करेगा। हाँ, हम घर की चोरी करते थे, ये घर की रखवाली करेगा, अच्छा जमादार लाए हैं। कैसी बातें करते हो, ये तो हम तुम्हारे लिए लाए हैं, तुम्हारे दिल बहलाने को। मालिक, अगर कुत्ते बिल्ली से दिल बहलता तो दुनिया पागल है जो ब्याह शादी करती। अच्छा प्यारे लाल, अब तुम शादी करना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी शादी की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपकी शादी की बात कर रहा था। कल अमर बाबू के घर गया था, उनके बीवी बच्चे को देखकर चित्त प्रसन्न हो गया, घर क्या है स्वर्ग है। चली गोरी पीसे मिलन को चली, चली गोरी पीसे मिलन को चली, नैना बावरिया मन में सावरिया, चली गोरी पीसे मिलन को चली, चली गोरी पीसे मिलन को चली, नैना बावरिया मन में सावरिया, चली गोरी पीसे मिलन को चली, चली गोरी पीसे मिलन को चली। We'll be right back.
दार के कजरा लट बिखरा के दार के कजरा लट बिखरा के ढलते दिन को रात बना के कंगना खनकाती बिंदिया चमकाती कंगना खनकाती बिंदिया चमकाती छम छम डोले सजना की गली चली गोरी पी से मिलन को चली चली गोरी पी से मिलन को चली नैना बावरिया मन में सावरिया चली गोरी पी से मिलन को चली चली गोरी पी से मिलन को चली तन है सौ बल खाया हो गई बैगन अपनी ही छाया कोमल तन है सौ बल खाया हो गई बैगन अपनी ही छाया घूंघट खोले ना मुख से बोले ना घूंघट खोले ना मुख से बोले ना राह चलते संभली संभली चली गोरी पी से मिलन को चली चली गोरी पी से मिलन को चली नैना बावरिया मन में सावरिया चली गोरी पी से मिलन को चली चली गोरी पी से मिलन को चली राजा बेटा क्या हुआ माँ मुझे डांस नहीं करना चाहती है बस इतनी सी बात चलो हम सिखाएंगे राजा बेटा को डांस चलो चलो राजा के हम बेटे हैं राजा हमारा नाम राजा बेटा डांस करेगा देखे सरगम चलो बेटा हो जाए डांस माँ के मुकाबले में हाँ अच्छा पिताजी अभी आया अच्छा तो हमें तबला भी बजाना पड़ेगा शोभा तुम भी तबला बजाओ बजा तू अच्छा जी हम माची राजा बेटा छुप जा रे छुप गया आ जा तो
हो भाई, हमें तो दिखाई नहीं देते। पकड़ लिया। पिताजी ने बताया। अरे नहीं भाई, हमने तो नहीं बताया। अपनी बारी आई तो रोन माता है। चल आंखें मीच। अच्छा मैं आंखें मीचता हूँ बस, पिताजी तुम भी चलो। अच्छा चलो बेटा चलो। ऐसे नहीं ऐसे, देखना नहीं बिल्कुल नहीं। चुप चुप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। आ जा। कितने बजे? 2:30 बजे। दिन के रात के, रात के किसको खाओ? बोलो जी कहाँ हो, सुलंगा जहाँ हो। नाप भी नहीं है। पहले भी कभी खेली थी आप मचोली? कब? 4 बरस पहले। किसके साथ? जिसकी छोटी सी सूरत के साथ आज खेल रही हूँ। बालती। पकड़ लिया। अब तुम पिताजी। नहीं बेटा कल को जाओ, तुम दूध पियो। राजा दूध पीने जाएगा। राजा दूध पीने जाएगा, शेर बन के आएगा। तुम सुखी तो हो ना रानी? तुम हमेशा यही सवाल क्यों पूछा करते? इसलिए कि कोई दूसरा नहीं है तुम्हारा सुख दुख पूछने वाला। सास ससुर, माँ बाप, भाई बहन, कोई भी तो नहीं है तुम्हारा इस दुनिया में। तुम जो हो। इसीलिए तो पूछा करता हूँ। मेरा भगवान जानता है मैं कितनी सुखी हूँ। तुम जैसा पति और राजा जैसा बेटा बड़े नसीब से मिलता है। राजा की बात ठीक है, वो राजा है, लेकिन मैं एक अनाथ यतीम खाने की दीवारों में पला हुआ एक यतीम। जैसे मैं तो राजमहलों में पली। जा तो सकती थी राजमहलों में, इन कोमल हाथों को, इन बड़ी बड़ी आंखों को, इस चांद से मुखड़े को देखकर कोई भी ले जाता, पलकों पर बैठाता। लेकिन मुझे तो इन कदमों में बैठना था, इन चरणों को पूजना था। क्या मुझसे कोई सुखी होगा इस दुनिया में? मैं हूं ना। जब देखो आपस में गुस्सा गुस्सा, हमारी तो कोई परवाह नहीं करता। ये सब नहीं चलेगा यहाँ, हम यहाँ के राजा हैं, मालूम? हुकुम कीजिए महाराज। हुकुम क्या, हमें एक बोलने वाला बंदर चाहिए। हाँ राजा, तू जो है राजा के बीच में नहीं बोला करते। माफ महाराज। जो तुम्हें माफ कर दिया बदमाश। पिताजी लाएंगे बंदर, हम बनेंगे कलंदर। एक बात और पिताजी। क्या बेटा? कल हमको छुट्टी है। तो फिर कल हम घूमने जाएगा। अच्छा कल हम सब राजा बेटा के साथ घूमने जाएंगे। नजारे झूले रंगदार की, नदी किनारे कोयल को करे आया दमा लगाओ गीत प्यार के। सामने सलोनिया दिन बहार के, झूमते नजारे झूले रंगदार की, नदी किनारे कोयल को करे पाया जमाना गाओ गीत प्यार के। झूम के पवन
फूलों के दर पे ये भौरा पुकारे, फूलों के दर पे ये भौरा पुकारे, आए दीवाने तेरे इंतजार पे। सांवले सलोनी आए दिन बहार के, झूमते नजारे झूमे रंगदार के, नदी किनारे कोयल पुकारे, आया जमाना गाओ गीत प्यार के। करके इशारे रुत रंगीली कहे करके इशारे, छेड़ो फसाने दिल बेकरार के। सामले सलोनी आए दिन बहार के, झूमते नजारे झूमे रंगदार के, नदी किनारे कोयल पुकारे, आया जमाना गाओ गीत प्यार के। सामले सलोनी आए दिन बहार के, झूमते नजारे झूमे रंगदार के, नदी किनारे कोयल पुकारे, आया जमाना गाओ गीत प्यार के। अरे भाई कैसे लाए तुम्हारी माँ को? तुम्हारी माँ तुमको देखो कितनी दूर चली गई। अच्छा एक बात बता। हाँ ठीक है क्यों क्यों क्या बोलते? हाँ भाई राजा बेटों को ठंडी लगी है, पकड़ो सर। अरे यहाँ अपनी कंपनी का ट्रक कैसे? क्यों लाला उतर गई सब बोरियां? हाँ उतर गई। 20 हैं 20। मगर यार तुम तो 25 के लिए कहते थे। क्या करूं लाला, मालिक तो अंधा है अंधा। भगवान उसे अंधा ही रखे। लेकिन उसके मैनेजर की चार आंखें हैं। आए? बड़ी मुश्किल से उसकी आंखों में धूल झोंक कर लाता हूँ ये माल। लाला अगर वो ना हो तो सारा गोदाम का गोदाम ले आऊं। मगर यार अतर सिंह तुम माल बहुत तेज देते हो। सस्ता कहो सस्ता लाला, सलामत रहे प्रकाश बाबू की कंपनी, वरना ये माल देखने को नहीं मिलता। तो पहलवान ये नोट भी देखने को नहीं मिलेंगे। अब लो मैं संभाल लूं। घबराओ नहीं, ऐसे रुपए मिलते कहाँ हैं, देखने को भी नहीं मिलते। सलामत रहे तुम्हारी वफादारी, बड़े ईमानदार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम? नाम से मतलब? मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ। आपने कंपनी का सीमेंट खरीदा है? अरे तो भले मानस, इस हट्टे कट्टे आदमी ने बाकायदा बेचा है, मैंने बाकायदा खरीदा है, इसमें मेरा क्या कसूर है? जानते हैं आप, आपने चोरी का माल खरीदा है? ये मुझे जानने की क्या जरूरत है? खरीदने की जरूरत है? मैं पूछता हूँ क्या नाम है आपका? मनशाराम लोहिया।
ठीक है जाइए, चलो चलाओ ट्रक, मालती चलो आओ, आओ राजा बेटा। मैं बेकसूर हूं अमर बाबू, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। वो चोर कैसे चोरी करता था, कैसे बोरियां उड़ाता था, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं। भगवान कसम मुझे बिल्कुल मालूम नहीं। मालूम होना चाहिए था तुम्हें। जी हाँ मालूम तो होना चाहिए था। मैं बहुत चौकन्ना रहता था मगर वो बदमाश मेरी आंखों में धूल झोंक गया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बस इस बार माफ कर दीजिए, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। बिहारीलाल सिर्फ इसी बार नौकरी से अलग किए जा रहे हो, फिर कभी नहीं किए जाओगे। इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा मत दीजिए अमर बाबू। छोटी सी गलती है इसीलिए नौकरी से अलग किए जा रहे हो, वरना उस बेईमान अतर सिंह की तरह तुम भी हवालात में बंद होते। बस इस बार माफ कर दीजिए। बिहारी लाल मैं इस कंपनी का नौकर हूं, मालिक नहीं, मेरी भी कोई जिम्मेदारियां हैं। अमर बाबू छोटा सा बच्चा है मेरा, मुझ पर नहीं तो मेरे बच्चे पर दया कीजिए। मुझे हमदर्दी है तुम्हारे बच्चे से मगर अफसोस मैं कुछ नहीं कर सकता। ये लो असली घी के लड्डू हैं, खास तुम्हारे लिए बनवाए हैं। असली घी तो अब दवाई के ही लिए रह गया है। ऐ तो डाल डाई मुंशी, लड़का हुआ है क्या? अजी लड़का कहाँ, 6 साल हो गए बीवी मरे हुए। ये लो कराची का हलवा। मुंशी कराची से हलवा लाने वाले दोस्ती नहीं आती, हलवा क्या आएगा, पर है अच्छा। लॉटरी निकली है क्या? अजी ऐसे भाग कहाँ। ये लो कलकत्ते के रसगुल्ले हैं। अजी कलकत्ते की तो गप है मुंशी, क्या कुछ गड़ा हुआ माल मिल गया बाप दादों का? अजी गड़ा हुआ क्या मिलना है, जो खुला हुआ था वो भी चला गया। खैर ये लो मथुरा के पेड़े। मथुरा का तो अब नाम ही रह गया है, पर मुंशी आखिर बात क्या है, कुछ तनख्वाह बढ़ गई है क्या? तनख्वाह बंद हो गई है प्यारे लाल, गेहूं के साथ घुन भी पिस गया है खामखा। बेईमानी की अतर सिंह ने और गले पड़ गई मेरे, अमर बाबू ने मुझे नौकरी से अलग कर दिया है। प्यारे लाल यार साहब से मेरी सिफारिश कर दो ना, तुम ही कहो मैं भला बेईमानी कर सकता हूँ। बेईमानी तो यहीं पकड़ी गई। ऐसे अरे ये मिठाई नहीं रिश्वत है, और रिश्वत हमेशा बेईमान आदमी देता है। ये क्या कह रहे हो प्यारे लाल? बेईमान को बेईमान कह रहा हूँ, मेरा भी धर्म बिगाड़ दिया कमबख्त ने, अभी जाकर जुल्लाब लेता हूँ। प्यारे लाल बड़ा नमक हराम है तू। अरे ये कहो कि नमक हराम का नमक नहीं खाया, मिठाई खाइए। हे भगवान बड़ी दया की, नमक हरामी के धब्बे से बचा लिया। चल उठा ये सब यहाँ से उठा। प्यारे लाल मैं बड़ी आशा लेकर आया था तुम्हारे पास, अरे जरा सी जुबान ही तो हिलती है तुम्हारी। अरे तू बेईमान आदमी, क्या जाने जबान का बोल, मैं कुछ नहीं कहूंगा साहब से। अच्छा प्यारे लाल कम से कम मिलवा तो दो साहब से। अच्छा चल तेरी मिठाई खाइए, पर देख कहूंगा कुछ नहीं। हाँ हाँ बस तुम खामोश रहना, मैं सब बात कर लूंगा। चला मेरे बुजुर्ग, ये बेईमान मुंशी आया आपसे मिलने। मैं ऐसे आदमी से मिलना नहीं चाहता। सरकार मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सरकार मैं तुम्हारी सूरत तक नहीं देखना चाहता, चले जाना। अब हम गरीबों का मुंह क्यों देखने लगे, पैसे का नशा है ना, आदमी आदमी नहीं दिखता इन पैसे वालों को। बहुत अच्छे, बेईमानी करो रिश्वत खिलाओ और फिर काम ना बने तो अमीरों को गालियां दो, अच्छा फैशन है तुम लोगों का। अबे चुप बैठ जाओ बाबा जी। हेलो राजा। नमस्ते। 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 आइए तस्वीर लाइए। अभी लाया, चलिए। तस्वीर रखिए। जी अभी रखता हूँ, ये लीजिए। फरमाइए। जी अर्ज करता हूँ कि आपसे मिलने को जी चाह तो चलाया। शुक्रिया, थैंक यू। जी कोई बात नहीं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है, जरा कुछ जुखाम हो गया कल से।
सॉरी। आप फरमाएं तो किसी डॉक्टर वॉक्टर का बंदोबस्त किया जाए। अजय क्या करेगा डॉक्टर, शिकायत सर्दी की, दवाई गर्मी की। वो बड़ी अजीब शिकायत है। थैंक यू, मैं तो पाइप पीता हूँ। क्या मंगाऊं? अजी इसकी क्या जरूरत? अजी थोड़ी सी। अजी नहीं। अजी हाँ। चोबा, चोबा। प्रकाश बाबू। आपके पिताजी घर पे हैं? अजी मैं तो हूँ, फरमाइए क्या काम है? अजी अर्ज करता हूँ कि अगर आपके पिताजी यहाँ आ जाएं तो क्या हो? पिताजी क्या करेंगे? पिताजी ये करेंगे। बड़ा शैतान है, सारा दिन यही शरारतें करता रहता है। मुझे शरारती लड़के बहुत पसंद है। कहाँ गया राजा बेटा, कहाँ गया राजा बेटा, अब पकड़ लिया। सच कहता हूँ मत, जब तुम्हारे घर आता हूँ तो जी चाहता है शादी करी भी, और मनोहर लाल के यहाँ जाता तो तुम्हारे कसम शादी से नफरत हो जाती है। औरत तो देखो बिल्कुल एटम बॉम्ब, और बच्चे अरे बापरे तूफान, चै चै पैपा, बैठना तक मुश्किल हो जाता है। कान पकड़ के आता हूँ कि शादी से तो कुमारा ही भला। सभी औरतें एटम बम नहीं होती प्रकाश बाबू, महासागर की तरह गंभीर और शांति होती है। महासागर में तो वो तूफान आते मालती देवी कि जहाज के जहाज गर्क हो जाते हैं। लेकिन महासागर अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता प्रकाश बाबू, कोई भली सी लड़की देखकर शादी कर ही लीजिए। तो शादी तो करनी ही है, लेकिन कब? जब योगा तर हिलने लग जाएगी। नहीं राजा, जल्दी करेंगे शादी। देखी है कोई लड़की? नहीं, देखने जाना है, मैं इम्तिहान दे रही इस साल। हाँ, पसंद करेंगे लड़की। हाँ, तुम पसंद करोगे लड़की, शेक हैंड्स। हम राजा की पसंद की लड़की से शादी करेंगे, हम राजा की पसंद की लड़की शादी करेंगे। मैंने कहा राम राम पहलवान। आओ बिहारी, या खूब आए मुंशी, कहो क्या हाल चाल है? अरे चाल क्या, अब तो हाल ही हाल है। तुम अच्छे रहे पहलवान, रोटी तो वक्त पर मिल जाती होगी। आ जाओ ना यहीं पे, पुराना साथ है और खूब गुजरेगी। अरे क्या गुजरेगी, उस मैनेजर के बच्चे ने मुझे भी निकाल दिया है। 2 महीने की बात है मुंशी, सब निकाल दूंगा उसकी मैनेजरी। मगर अपनी मुंशी गिरी तो पहले ही निकल गई, इतनी बार कहा करता था पहलवान संभल के, जरा संभल के, लेकिन तू तो मुझे भी साथ ले दूंगा। निकाल भी लूंगा मुंशी, ला तो 4 रुपए सिगरेट विगरेट ले दे जा। अच्छा साहूकार ढूंढा है तूने। अरे कुछ तो होगा। कसम तेरी जमाने की एक पैसा नहीं है, कमबख्त मैनेजर ने हाथ की रोटी छीन ली। फिकर क्यों करता है मुंशी, मैं उसके मुंह का निवाला छीन लूंगा। राजा बेटा मुंह खोले। तुम खाओ ना, मैं खिला तुम्हें। नहीं, मैं पिताजी के हाथ से खाऊंगा। अच्छी बात है, ना खा। लो जी, मैं तुम्हें खिलाऊंगी। मुझे भी खिलाओ ना। नहीं, तुझे नहीं खिलाने की। नहीं खिलाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अरे खिला दो ना। राजा बेटा रूट गया। अच्छा लो खा लो। ए, खिलाती क्यों दी थी? कभी नहीं खिलाऊंगी। नहीं खिलाना, मैं हाथ से खा लूंगा। कोई मिलने आया है। कौन है? देखता हूँ। हाँ। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। कहिए जी, हम अनाथ आश्रम से आए हैं। ओ, तो यूं कहिए ना कि आप इनके मैके से और मेरे भाई बहनों के पास से आए। हम दोनों भी अनाथ आश्रम में ही पले हुए हैं। कहिए क्या सेवा करें हम? मालती देवी से कुछ मदद मांगने आए हैं। अनाथ आश्रम के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है, कहिए क्या करना होगा? बात यह है कि अगले महीने की 20 तारीख को अनाथ आश्रम का सालाना जलसा है, उसमें हम आपके डांस का प्रोग्राम रखना चाहते हैं। हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है, शौक से रखिए। शुक्रिया, इस प्रोग्राम से अनाथ आश्रम को काफी सहायता मिल जाएगी। पूरा 1 महीना बाकी है, कोई अच्छा सा आइटम होना चाहिए। देखिए कोशिश करूंगी। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते।
अमर, इतने लोगों के सामने मालती ठीक से नाच सकेगी ना? मुझे तो घबराहट हो रही भाई। घबराहट तो मुझे हो रही है, देखो ना मेरे हाथ को ठंडे हो रहे हैं। मेरे भी देखो। पिताजी पिताजी, माँ कितने अच्छा चुकअप पहन लिया। अरे तुम दोनों ने एक जैसा कोट।
धरती माता झूम रही है भूली दुनिया जंग, क्या पीले क्या गोरे काले मिल गए तीनों रंग। क्या मतलब है मैं वही रहता जेल में? नहीं नहीं नहीं, मतलब ये तो नहीं, पर कहना ये है कि अगर मुझे पता लगता ना तो मैं हार लेकर वहां पहुंच जाता। तबाय तबाय। पांच छह दिन हुए हैं, खोचा लगाना शुरू कर दिया। क्या बताएं भाई, बाप दादाओं का पुराना धंधा है, सोचा भूखों मरने से यही अच्छा। तुम बताओ क्या हाल है काम धंधे का? एक दिवाले की ट्रक पे हो गया हूं। अरे वाह पहलवान, ये लो बालू शाही। अरे पहलवान मुझे भी वहीं रखवा दो, दोनों मिलके खूब मिलाया करेंगे घी में मूंगफली का तेल। अरे मुंशी, वो घी वाला तो तेरा भी बाप है, बेचता ही मूंगफली का तेल है घी की जगह। हाँ भाई, ईमानदारी तो रही नहीं दुनिया में, बस एक तू ही ईमानदार रह गया। मिठाई खा मिठाई का भगवान। क्या बात, अरे घी की है या घास लेट की? नहीं पहलवान, खालिस तारपीन के तेल की है, स्कूल के बच्चे सब खा जाते हैं। तैयार आ रहा है मुंशी, जरा मैनेजर साहब को सलाम मारिया। मारिया मारिया। राम राम मैनेजर साहब। ओ राम राम, आ गया था सिंह? आपकी दुआ से निकल गई आपके दिल की या कुछ बाकी रह गई? अरे भाई वो तो मेरा फर्ज था। और मेरा क्या फर्ज है वो भी बता दीजिए। बस जहां भी रहो ईमानदारी से। बस बस और क्या? और क्या, वो मैं बताता हूँ। क्यों मैनेजर, क्या हाल है? अरे अब मैनेजर का किचन से बुला रहा है। एक दो तीन, उठो उठो, चल चल। अरे अब मेरा प्राप्त कर दो, चल चल। तोड़ दे, धीरे। बाबूजी माफ कर दीजिए, अब ये कुछ नहीं कर सकेगा। फिर कभी किसी शरीफ आदमी से झगड़ा ना करना। नहीं नहीं, ये झगड़ा नहीं करेगा। उठो उठो मेरे मिट्टी के शेर, उठो। हो गया मैनेजर साहब को सलाम। चला गया। तड़के भाग गया। देख लूंगा। हम मैंने तो देख लिया, खूब निकाली हमारे पहलवान की पहलवानी, खूब दिखाई हमारे पहलवान को जमीन। मैं उसे आसमान दिखा दूंगा। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, झगड़ा हो गया बदमाश है तो सिंह से। मरना होगा।
बेटा खूब मारा, खूब मरम्मत की उसकी। तुम क्यों लगे उस मुंडे के मुंह? मैं तो जा रहा था, साइकिल रोक ली खंभा ने। तुमने गिरफ्तार क्यों नहीं करवा दिया उस बदमाश को? मार पीट कर छोड़ दिया। ये लोग ऐसे मानते नहीं है, पुलिस इन्हें ठीक करती है। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। अजी छोड़ो भी, अब नहीं आएगा मेरे रस्ते में। आप फिक्र ना कीजिए, मैं दरोगा जी से कह के उसे तरी पार करा दूंगा। ऐसा हो तो दो कप चाय जल्दी ले आओ। महाराज साहब लोगों को जरा चाय देना, मैं ना धोकर आता हूँ। अच्छा लाता हूँ। मेरा जूता कहाँ गया? अरे अबे कुत्ते के बच्चे, तुझे मेरा ही बिस्तरा मिला था सोने के लिए, उठ यहां से, उठ। नहीं सुनता है, उठ यहां से नहीं तो सर फोड़ दूंगा। मैं कहता हूं उठ वहां से, उठ उठा। अच्छी बात है, बैठा रहे, आज मैं तेरा फैसला ही किए दे। प्यारे के प्यारे मालिक, 11 साल 11 महीने 11 दिन तक ईमानदारी से नौकरी करने का इनाम मिल गया। जिस घर में कुत्तों की इज्जत आदमियों से ज्यादा हो वहां रहना बेकार है, इसलिए मेहरबानी करके अपने प्यारे का इस्तीफा मंजूर कीजिए। एक कप और? नहीं बस, अब मैं चलता हूँ। घर ही तो जाना है ना भाई, एक आधा टेनिस का हो जाए फिर चले जाना। हाँ अच्छा चलिए। ये ली। क्या भाई? मेरा इस्तीफा। इस्तीफा? हुजूर साफ बात है, या तो इस घर में ये कुत्ता रह सकता है या मैं, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। मगर हुआ क्या भाई? किसी से पूछ लीजिए, आपका तो दोस्त है ना। क्या भोला बना खड़ा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। देखो तुम इस गरीब जानवर से खामों का झगड़ा किया कर। हाँ मैं गरीब जानवर से झगड़ा करता हूँ और ये मुझे प्यार करता है। हुजूर किसी से कहिएगा नहीं, ये मेरी खाट पे चढ़ेगा। ऐसा? खाटी पर चढ़ाना तो क्या, और मेरे सर पे चढ़ेगा? हुजूर साफ बात है, या तो आप इसे ही रख लीजिए या मुझे। देखो प्यारेलाल, इस गरीब जानवर को तो मैं निकाल नहीं सकता। तो फिर एक काम कीजिए, मुझे अमीर जानवर को निकाल दीजिए। जैसी तुम्हारी मर्जी। शुक्रिया। कम टाइगर गो। कम टाइगर कम। प्यारे लाल अब इस घर में कुत्ते ही रहेंगे। टाइगर टाइगर जरा ख्याल रखना। ले अब इस घर में तेरे ही राज है, चाहे जा उठ चाहे जा बैठ, मैं तो नहा धो करके जा रहा हूँ। अब तो तू खुश है ना? टाइगर हट सामने से, रास्ता देन देना। मेरे ताऊ मुझे इस घर से दफा हो जाने दे, फिर चाहे तू दरवाजे में बैठी हो, चाहे मालिक के सर पे बैठी हो और चाहे कुतुब मीनार पे बैठी हो। मेरे भाई मुझे बाहर जाने दे, नहाना धोना है मुझे। कुत्ते! अरे ये क्या मुसीबत है! ओ महाराज बचाओ ना मुझे, मालिक! क्या मजे में आ रहा है बेटा, तेरे पेट में दर्द नहीं होता? Thank you.
हुजूर बचाइए, ये टाइगर मुझे मार डालेगा। हुजूर बचाइए, ये टाइगर मुझे मार डालेगा। अरे प्यारे साहब अभी तक गए नहीं। इस जमादार को हटाइए ना, इसने तो मेरे सभी काम बंद कर दिए। मगर तुम खुद ही तो काम बंद करके जा रहे थे ना। नहीं नहीं जाऊंगा हुजूर, पैसी बाबा ठीक। पर इससे भी कहिए कि शरीफ आदमी जैसा बर्तावा करे। क्या हुआ भाई? कहने की बात नहीं है हुजूर। क्या हुआ हुजूर, क्या बताऊं अब। अब डाकू है, निकालो जो कुछ है तुम्हारे पास। हमारे पास तो कुछ नहीं है डाकू। जेब दिखाओ। जेब तो खाली है। ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर, माल निकालो नहीं तो गोली चला दूंगा। नहीं नहीं डाकू साहब, ऐसा मत करना, हम मर जाएंगे डाकू साहब। तो फिर माल निकालो। हमारे पास तो बस यही एक खजाना है, चाहो तो इसे ले लो। हम पक्के डाकू है और आज पर हाथ नहीं उठाते। माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, ये गरीब आदमी है। और हमने अपना सारा रुपया अपने बेटे राजा की सालगिरह पर लगा दिया। चल माफ कर दिया। डॉक्टर का बच्चा। गए थे प्रकाश बाबू क्या? हाँ अभी वहीं से तो आ रहा हूँ। अरे राजा की सालगिरह के बारे में बताना तो बिल्कुल भूल ही गया। अजी आपको क्या याद रहता है, मैं जाऊंगा उनके पास। हेलो जी, तशरीफ रखिए। कैसे तकलीफ की हुजूर ने? मेरा नाम हुजूर नहीं है, मेरा नाम राजा है। कहिए राजा साहब क्या हुक्म है? कल हम पैदा होने वाले हैं। ओ, आपकी सालगिरह है? तो आप इनविटेशन कार्ड हैं? कितने बजे आऊं? 7 बजे आना पड़ेगा। जरूर आ जाऊंगा हुजूर, लेकिन इस वक्त क्या खातिर करूं आपकी? कुछ नहीं अजी, थोड़ा सा अजी नहीं अजी। हाँ अजी नहीं, जाने दीजिए। जाने दिया। ये तुम्हारा कुत्ता है? हाँ ये आप ही का है। और फेरू इसको शौक से काटता तो नहीं? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा बाबा खेला करता है इससे? बाबा? हाँ तुम्हारा लड़का। यही मेरा लड़का है। कुत्ता तुम्हारा लड़का? तुम इसका पिताजी हो? हाँ। इसकी माँ कहाँ है? इसकी माँ तो विलायत है। बहुत दूर है विलायत तो। इसका जी कैसा लगता है माँ के बिना? लग जाता। तुम्हारा भी? हमारा भी लग जाता। मेरे पिताजी का भी कभी नहीं लगता माँ के बिना, और मेरा भी नहीं लगता। इसे भी ले आना अपने साथ। जरूर ले आऊंगा, मैं खेलू उसके साथ। खेलो खेलो टाइगर। तो टाइगर क्या क्या लाना है? बस सालगिरह का केक ही लाना रहती है। राजा बेटा तुम्हें और क्या चाहिए? और क्या चाहिए, सभी कुछ तो आ गया है। नहीं पिताजी और भी लाना। क्या क्या लाना है राजा बेटा के लिए? हाथी, घोड़े, सिपाही, चीटी। दुकान ही उठा लाना। हाँ पिताजी दुकान ही उठा लाना। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम जाओ। देखो जल्दी लौटना, कहीं दिन ही छुपा दो। नहीं जल्दी ही लौटूंगा, जाता तो नहीं मगर काम बड़ा जरूरी है। तुम्हारे लिए क्या लाऊं? ये क्या बताएगी, मैं बताऊं? चूड़िया, माथे की बिंदिया, फोटो की लाली और पाउडर। पिताजी मेम बना देना माँ को। अच्छा बेटा, तुम्हारी माँ को बिल्कुल मेम बना देंगे। तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत गहना लाओ। औरत का सबसे खूबसूरत गहना तो सुहाग का सिंदूर होता है, माथे की बिंदिया होती है। भगवान मेरा ये गहना बना दे। जरा जल्दी आना। जरूर जल्दी आना। हैप्पी बर्थडे टू यू।
तुझे बोलना क्या हुआ? मैं अभी कहता हूँ जाकर। माँ, 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 शोभा रो रही है। तुम भी रो रही हो? क्या हुआ? बोलो तो सही, क्या हुआ? कैसे हैं पिताजी? अभी तक नहीं आए। मैं लाता हूँ उन्हें बुलाकर।
ऑफिस में होंगे, मैं जाता हूँ। प्रकाश बाबू कहते थे कि पिताजी हॉस्पिटल में। हाँ राजा, पिताजी अस्पताल में बीमार रहते हैं हॉस्पिटल में। वो तो अच्छे थे। अपने भाग अच्छे नहीं थे राजा। ले बेटा ले लाल रोटी खा। मुझे पिताजी के बिना अच्छा नहीं लगता खाना। आ जाएंगे ना पिताजी? हाँ हाँ आ जाएंगे। फिर रोटी क्यों रहती है माँ? जब देखो रोटी रहती है। बचपन दुखी जवानी लंबी सुनी राहों में निकले दर्द लिए मंजिल का खामोश निगाहों में कौन कहे राही को कितनी दूर कहाँ तक जाना है। जीवन की सुनसान डगर में कब तक ठोकर खाना है। पिताजी कहा करते थे कि तू सबकी बात सुनता, फिर मैं क्यों नहीं सुनता? मेरे पिताजी को हॉस्पिटल से भेज दे या मुझे ले जाओ उनके पास। राजा राजा माँ रो क्यों रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ बेटा, तू सो जा। माँ मुझे पिताजी के बिना नींद नहीं आती। आ जाएगी, मैं सुलाती हूँ तुझे। सो जा नन्हे मेरे, तू तो सो जा, तू तो सो जागने को पड़े।
राजा तुम आज भी स्कूल नहीं गए? किसके साथ जाऊं? शोभा के साथ। वो तो रोज लाया करती है स्कूल से। अच्छा चलो मैं छोड़ाती। नहीं मैं पिताजी के साथ जाऊंगा, अस्पताल में है ना पिताजी? हाँ मैं ही तूने छोड़ के आया था अस्पताल में। फिर बुला दो ना उन्हें, फिर चले जाऊंगा स्कूल। देखो राजा अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो तुम्हारे पिताजी नाराज हो जाएंगे, फिर वो कभी नहीं आने के। अगर स्कूल जाऊंगा तो आ जाएंगे? हाँ। अच्छा तो मैं स्कूल जाता हूँ। शोभा अस्तला मुझे भी ले चलो ना पिताजी के पास। शोभा जाओ इसे स्कूल छोड़ो। जी अच्छा जाओ। जो दुख भगवान ने आप पर डाला है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, फिर भी दिल को मजबूत रखना चाहिए। जरा सब्र से काम लीजिए, आपकी हालत देखकर बच्चा भी समय समय रहता है। उसकी तरफ देखिए, उसका ख्याल कीजिए। आपके सिवा कौन है उसको तसल्ली देने वाला? उसकी परवरिश करनी है, उसे पढ़ाना है, किसी लायक बनाना है उसे। देखिए आप पढ़ी लिखी हैं, कोई ऐसा काम शुरू कर दीजिए जिससे आपका मन बहले और कुछ सहारा भी हो जाए। नाव को पतवार का सहारा होता है प्रकाश बाबू, उसके बिना डूब ही जाती है नाव। क्या करूं मैं? आप कलाकार हैं, कला सुख की भी साथी और दुख की भी। आप डांसिंग क्लास क्यों नहीं खोल लेती? कम से कम दिल तो किसी और तरफ लगेगा। समझ में नहीं आता कि क्या करूं मैं। मेरा ख्याल यही कीजिए, डांसिंग क्लास बहुत अच्छी रहेगी। मैं कोई अच्छी सी जगह देखकर सारा इंतजाम कर दूंगा। अच्छा कोई काम हो तो खबर कीजिएगा। के दो रूप होते क्लासिकल और पॉपुलर। इन दोनों का मेल ही असली नाच जो कि सीखना जरूरी है। आज मैंने दो मशहूर कलाकारों को बुलाया है जो तुम्हें ये दिखाएंगी कि क्लासिकल और पॉपुलर का मेल कैसे होता है।
सोचे ऐसी लगी कैसी लगी कैसी लगी, जाए तो जाए जी अलगी न छूटे ऐसी लगी कैसी लगी कैसी लगी, जाए तो जाए जी अलगी न छूटे ऐसी लगी। मालती को डांसिंग क्लास जो करवा दी बहुत अच्छा की, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए था भाई। नमस्ते मालती। नमस्ते, बैठिए।
तबीयत ली ना? बस ठीक है। ये कैसी चल रही है क्लास? अच्छी चल रही। चार पांच लड़कियां और आ गई हैं इस महीने। कल दो चार लड़कियां और आ जाएंगी, उन्हीं के घर से आ रहा हूँ। कितनी तकलीफ उठा रहे हैं आप? ये तो मेरा फर्ज है मालती देवी, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि अमर ने मेरे लिए जान दी। आपके लिए, राजा के लिए मैं जो कुछ भी करूं थोड़ा है। आपको डांसिंग क्लास खोलने की जरूरत नहीं थी, मैंने तो सिर्फ इसलिए क्लास खुलवा दी कि आपके अभिमान को ठेस न पहुंचे, जमाना आपकी तरफ उंगली उठाने की हिम्मत न करे। मालती देवी, आपका दुख और राजा का दुख मेरा दुख है। आपके और राजा के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं, सिर्फ सिर्फ अमर को वापस नहीं ला सकता। पिताजी आ गए तुम, पिताजी आ गए तुम। कितने कितने दिनों से आज पिताजी रोज इंतजार किया करता था। बहुत दिन तक तो खाना भी नहीं खाया मैंने और माँ ने। खूब रोया करती थी और मैं भी रोया करता था। पिताजी अब मत जाना हॉस्पिटल, हमें अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। क्यों माँ? मैं तुम्हारा राजा बेटा हूँ ना पिताजी, अब मत न जाना। अगर तुम जाओगे तो मैं और माँ भी साथ चलेंगे, अकेले नहीं रहना कहीं। बोलो अब नहीं जाओगे ना तुम? मैंने तुम्हें पिताजी समझा था। माँ माँ आज मैं नहीं आए पिताजी। मालती देवी, राजा बेटा इस तरह रोया नहीं करते। मैं तुम्हारे पिताजी के पास से ही आ रहा हूँ, उन्होंने ये बोलने वाला बंदर भेजा है और कहा है चार पांच दिन में जरूर आ जाएं। रोज कहते थे आते क्यों नहीं, अब तो मैं स्कूल भी जाने लगा। छुट्टी नहीं मिलती उन्हें, वो जल्दी आ जाएंगे राजा। मुझे बता दो ना कहाँ है पिताजी, मैं चले जाऊंगा उनके पास। नहीं बेटा वो खुद आएंगे। ये लो खिलौना। मुझे खिलौना नहीं चाहिए, पिताजी चाहिए। हाँ हाँ आएंगे वो भी, अभी तुम हाथ में धोकर खाना खा लो, जाओ जाओ। मुझे भूख नहीं। इसीलिए तो नहीं आते पिताजी, कहते थे राजा खाना नहीं खाएगा तो हम घर नहीं आएंगे। खा लूंगा तो आ जाएंगे। हाँ जल्दी आ जाएंगे, तुम जाओ खाना खाओ जाओ। माँ रो मत, चार पांच दिन में पिताजी आ जाएंगे। आ जाएंगे ना? हाँ आ जाएंगे भाई, मैंने कहा ना जाओ तुम खाना खा लो। मालती देवी, रोना तो जिंदगी भर का है, लेकिन राजा के सामने इस तरह कभी ना रोइएगा। अगर आप इसी तरह रोया करेंगी तो उसके दिल में खींची हुई आशा की तस्वीर एक न एक दिन जरूर धुल जाएगी। क्या करूं प्रकाश बाबू, राजा न खाता है न पीता है, बस उन्हीं को याद किया करता है। भूल जाएगा धीरे धीरे। अच्छा तो मैं चलता हूँ, उसका तो कल क्लास में आऊंगा। नमस्ते भाभी, प्रकाश बाबू ने ये अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। मालिक हो तो ऐसा हो, अमर बाबू के मरते ही सारा बोझ ले लिया अपने सर पर। लेकिन एक बात करना भाभी, उल्लू बना लेना, कहीं खुद उल्लू बन जाओ। बिहारी, पैसे वाले दुख दर्द के नहीं, जवानी के साथी होते हैं, खूबसूरती के गुलाम। 10-20 हजार का ठिकाना कर लेना। कमीने, क्या मक रहा था, क्यों आया? प्रकाश बाबू, ठोकर खाने वाले को ठोकर मारने का कोई हक नहीं है। अब मालिक और नौकर का रिश्ता नहीं है। अब ये रिश्ता है प्रकाश बाबू, जरा संभल कर निकल यहां से, फिर आया तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा। प्रकाश बाबू मैं कहता हूं जरा संभल कर निकल। गुंडा कहीं जा, गुंडा। यार हम तो बड़ा शरीफ समझते थे प्रकाश को। अरे आजकल के शरीफ ऐसे ही होते हैं रणवीर बाबू। ऐसे होते हैं आजकल की पतिव्रता। एक बात है वैसे, मालती ने फांसा खुद प्रकाश को, पैसे वाला है और कवारा है। अमर जब जिंदा था तो छुप छुप के मालती को अपने बंगले में बुलवाया करता था, अब अमर मर गया तो खुल्लम खुल्ला मिलना शुरू कर दिया। लाला मुझे तो इतनी इतनी सी बात का पता है, दोनों ने मिलके मरवाया है अमर को। मारते का हाथ पकड़ा जा सकता है, कहते की जबान तो नहीं पकड़ी जाती।
तंग आ गया हूँ सुनते सुनते। ना सुना करो। अरे क्या ना सुना करूं, आप बेचारी मालती की मदद कर रहे और लोग आपको बदनाम कर रहे। नेक नाम को ही बदनाम किया करते हैं प्यारे लाल, बकने दो लोगों को, तुम अपना काम करो। अरे क्या काम करूं, भाजी लेने जा रहा हूं। अच्छा जाता है, जो मालिक के जी में आए तो करें। आपने एक बार बताना था, बता दिया, अब आगे उनकी मर्जी है, हम इसमें क्या करें। अरे कुत्ते के बच्चे, तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है? मैं कोई चोर हूँ, चक्का हूँ, क्या हूँ? हे भगवान, या तो तू इसे आदमी बना दे, नहीं तो मुझे ही कुत्ता बना दे, मैं तो तंग आ गया इसकी छेड़छाड़ से। मेरे चाचा, मैं नौकरी छोड़कर नहीं जा रहा, भाजी लेने जा रहा हूँ, भाजी लेने। जा तू घर जा, जा। नहीं जाएगा तो ले, तू ही भाजी लिया, ये ले थैली, ले जा, जा अब भाजी लिया। हद हो गई, अब तो मुझे इस घर से जाना होगा। अबे वो कुत्ते के बच्चे, ले ये पैसे भी लेता जा। भाजी वाला कोई तेरा बाप है जो उसमें भाजी दे देगा? ले, ये कुत्ता तो अपनी जान को आ गया। बालू शाही हलवा सोहन नान खताई। अरे बाप प्यारे, देख प्रकाश बाबू भी होशियार और प्रकाश बाबू का कुत्ता भी होशियार, इस घर में बस एक तू ही गधा है। यारी मुंह संभाल कर बात कर, गधा होगा तेरा बाप। अबे चरफे, तू तो काठ का उल्लू है, मैं कहता हूँ कब तक तुम्हारा फिरेगा। देख प्रकाश बाबू ने मालती का हाथ पकड़ लिया है, तू शोभा का हाथ पकड़ ले। नमक हराम, क्या कहा मालिक के लिए, जरा फिर तो कह। बड़ा वफादार बनता है, ठहर जा, मैं फिर कहता हूँ प्रकाश बाबू। मैं तेरी हड्डी तोड़ दूंगा, मैं तेरी पसली तोड़ दूंगा, अरे मालिक को मैं तो हलवा सोन मार ले, ले ले खा 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 ले खा, तेरा तार बिन की मिठाई है, तार बिन की मिठाई है, और खाओ खाओ खाओ, तो कौन क्या की मिठाई है, अबे टाइगर कहाँ है, टाइगर आ जाओ वापस, टाइगर टाइगर भैया छोड़ दो इधर पोक को, आ जाओ वापस, आ जाओ। टाइगर शाबाश, टाइगर शाबाश, यार मैं तुझसे खामा खा झगड़ा करता था, तू तो बड़ा अच्छा दोस्त निकला। ले कर दे नमक हराम का खोंचा सा, देखता क्या कर दे। मान गया तुझे आदमी की खूब पहचान है, मैं तो खा गया था नमक हराम की मिठाई, पर यार तूने सूंघी तक नहीं। अच्छा चल भाजी ले आए, आज से हम दोनों दोस्त। गैर मोहल्ले का आदमी हमारे मोहल्ले की नाक काटे, उसका नौकर हमारी खोपड़ी पे जूते बरसाए, उसका कुत्ता मेरा खोंचा खाए, ये हम सबके लिए डूब मरने की बात है। अबे तूने कोई जूते खाने का काम किया होगा? हाँ 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 हाँ, मैंने मोहल्ले की इज्जत बचाने का काम किया था चाचा, क्या बुरा कहा था मैंने, यही ना कि प्रकाश बाबू ये शरीफों का मोहल्ला है, जरा संभल के, बस तलाक से मुंह पे थप्पड़। हम उसकी गर्दन तोड़ देंगे, आना जाना भूल जाएगा मोहल्ले में। हाँ जी, वो नंगे बूझे थोड़ा ही रहते हैं मोहल्ले में, सभी की बहू बेटियां हैं। आज वो प्रकाश मालती पर डोरे डाल रहा है, कल किसी दूसरी लड़की पर डालेगा, एक की इज्जत गई सबकी इज्जत गई। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, बिल्कुल ठीक है। क्या बिल्कुल ठीक है, अबे कुछ तो भगवान का खौफ करो, क्यों किसी पे खामखा तोहमत लगाते हो? तुम्हें क्या मालूम लाला, जाओ जाओ बाजार में हल्दी जीरा बेचो, दिन दहाड़े आता है घर में, अरे बाजार समझ रखा बदमाश ने। रणधीर दो ही तरीके हैं, या तो प्रकाश के हाथ पैर तोड़ दो या निकाल दो मालती को मोहल्ले से। हाँ हाँ, राज है तुम्हारे बाप का, खामखा इल्जाम लगा रहे हो बिचारी पे, मोहल्ले से निकालो, मोहल्ले से निकालो। तुम चुपचाप बैठे रहो चाचा, ज्यादा बड़बड़ नहीं किए करते पंचों के सामने। ठीक है रणदीप, तुम जाकर मालती से सफा सफा कह दो कि वो सीधी तरह से मोहल्ला छोड़कर चली जाए, वरना उसे बेइज्जती से छोड़ना पड़ेगा। धंधा करना है तो बाजार में बैठे ना जाकर। ए बिंदु की माँ, क्या जमाना आया है, इधर खसम मरा उधर दूसरा करा। अरे ये तो अमर के मरने की बात देख रही थी, और वो कल मुहा प्रकाश पूरा बदला भगत है। बड़ा उदास है, मालूम होता है प्रकाश बाबू नहीं मिले भाई। यार
मालती देवी आप जाइए, देखाइए अपनी आंखों से कितनी कीचड़ उछाली जा रही है मेरे नाम पर, कितना ढंडोरा पीटा जा रहा है मेरी इज्जत। और आप रो रही मालती देवी, आंसुओं के दरिया में बदनामी के पहाड़ नहीं डूबा करते, वो तोड़े जाते हैं, काटे जाते हैं। अगर कोई आंख वाले को अंधा कहे, सफेद को काला कहे, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हाथी चला करता है, कुत्ते भौंका करते हैं। आप मर्द हैं प्रकाश बाबू, आप नहीं समझते। औरत ऐसी बदनामी से जान दे देना पसंद करती, मर जाना पसंद करती। यही कमजोरी है औरत, इसीलिए कुचली जाती है। मालती देवी, अगर आप इस तरह दुनिया से डरेंगी तो आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। उस तरफ से आंखें बंद कीजिए और राजा की तरफ देखिए, उसका ख्याल कीजिए। उसी के लिए तो जिंदा हूं, उसी के लिए तो झूठी बदनामी का जहर पी रही हूं। अगर वो ना होता तो कभी की जान दे देती। हिम्मत ना हारिए मालती देवी, आपको दुनिया से झगड़ना है, लोगों का मुंह बंद करना है। निकल बाहर। अबे ओ ठेकेदार, निकल बाहर, हम देंगे तुझे ठेका, हम करेंगे तुझसे मोहब्बत। क्या है भाई, यहां लगाने हम लगाएंगे। आगे मत जाइए प्रकाश बाबू। हाँ अंदर बिठा ले, घर में बंद कर ले दरवाजा। हट जाइए मालती देवी। बोलो आ गया, क्यों आता है यहां? तुम्हें से मतलब? मतलब है तभी तो पूछ रहे हैं। अरे कोठा समझ रखा है, जब जी चाह चले आए। आए हम इनका कोई कसूर नहीं, मोहल्ला गंदा कर रखा है इसने। फेंक दो इसके सामान निकालकर। कौन निकाले गए न मोहल्ले से? हम किस कानून से? अपने कानून से, मोहल्ले के कानून से, समाज के कानून से। यही है तुम्हारा कानून कि किस्मत से ठुकरा ही औरत को ठोकरे मारो, उस पर तहमत के पहाड़ गिरा दो। यही है तुम्हारे मोहल्ले का कानून कि एक बेसहारा औरत को घर से निकाल दो, उसकी इज्जत पर झूठे इल्जाम लगाओ। यही है तुम्हारे समाज के कानून कि एक विधवा का जीना दुश्वार कर दो, उसको मरने के लिए मजबूर कर दो। बकवास बंद कर, ये मोहल्ले में नहीं रह सकती। क्या नहीं रह सकती, क्या कसूर है इनमें? ये गिरी हुई औरत है, उल्टा है, कलंकिनी है, पतिता है। पतिता, कलंकिनी, इसलिए कि बेसहारा है, अकेली है, अबला है। अगर ये इसलिए कलंकिनी है, ये विधवा है, इसका माता सूना है। प्रकाश बाबू, वही जो मुझे करना चाहिए था, वही जो एक इंसान को करना चाहिए। दुनिया का मुंह बंद करने के लिए ही एक रास्ता था, यही एक रास्ता है। लेकिन नाव को पतवार का सहारा चाहिए, औरत को मर्द का सहारा चाहिए। मालती देवी, आप विधवा हैं, जवान हैं, जिंदगी की बहुत बड़ी मंजिल तय करनी है आपको। अपने अलावा राजा का भी ख्याल रखना है, उसे किसी लायक बनाना है। प्रकाश बाबू, मैंने यह खून का टीका अपने लिए नहीं लगाया, आपके लिए लगाया है, राजा के लिए लगाया है। आज अमर जिंदा हो गया है और प्रकाश मर गया। अब आप विधवा नहीं, सुहागन है, राजा अनाथ नहीं, सनाथ है, उसका बाप जिंदा है।
यहाँ चले आए और जो पीछे से पिताजी घर में आ गए तो वो भी यहीं आ जाएंगे बेटा। उन्हें कैसा मालूम कि हम यहाँ हैं? क्यों माँ? टेलीफोन, चलो मैं टेलीफोन करके आता हूँ। हेलो, मेरे पिताजी है ना, उनसे कह देना हम प्रकाश बाबू के बंगले पे रहे और वहीं सीधे आने के ना और जल्दी आने के ना। हाँ। बहुत बड़ी गलती की है ना, राजा से पहले ही कह देना चाहिए उनके बारे। मैंने तुझसे इसलिए बहका रखा है मालती, उसके छोटे से दिल में कहीं गम ना बैठ जाए, फिर वो तो बच्चा है, वक्त गुजरने पर सब कुछ भूल जाएगा। ये सब तो मेरे ऊपर छोड़ दो। जाओ, हम नहीं खेलते। क्या करें, टाइगर का बच्चा तुम्हारी तरफदारी करता है, गेंद छूने ही नहीं देता। पहले तुम कहो हार गए। अच्छा बाबा हार गए, चलो घोड़ी बना। घोड़ी भी बनना होगा? हाँ। अच्छा बाबा घोड़ी बनाओ, गधा बनाओ, जो तुम्हारा जी चाहे। राजा बेटा जीत गया। अरे लाल हार गए, राजा बेटा जीत गया, हमारे कंधे पर आओ राजा बेटा। अजी हाँ। तो गधा बना दिया। हाँ। चलो राजा बेटा हमारे साथ जाएगा। कहाँ चलेंगे? चमेली के बाग में। चल चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा, मेवे की डाली चादर बिछाऊंगा, चादर का कोना पर गया और दर्जी बुलाऊंगा, दर्जी की सुई टूट गई, लोहार बुलाऊंगा, हाथ का हथौड़ा टूट गया, घोड़ा दौड़ाऊंगा, घोड़ा के टांग टूट गई, हल्दी लगाऊंगा, हल्दी बेचारी क्या करे, तो मैं नचाऊंगा, मैं नचाऊंगा। आज हम अपने राजा बेटे के लिए बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें लाए हैं, बताओ तो क्या लाए हैं? बिस्किट नहीं, चॉकलेट नहीं, बंदूक ये भी नहीं, तो फिर तुम बताओ। बोलो हार गए, हार गए। राजा बेटा हार गया, अब चलो हम बताते हैं, आंखें बंद करो। आंखें बंद कर ली। एक दो तीन, अब आंखें खोलो। खेलो उनके साथ। अच्छा मैं माँ को दिखा के आता हूँ। प्रकाश बाबू कितने कितने खिलौने लाए, हाथी,
कर डुक 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 माँ एक मैन सब है जो आयुष है आयुष है आयुष है चलती है बदमाश कहीं का माँ एक बात कहूँ कहो बेटा जब हम अपने घर जाएंगे तो ये सब खिलौने ले जाएंगे कब तक रहेंगे यहाँ अब हम यही रहेंगे राजा यही है अपना घर ये तो प्रकाश बाबू का घर है वो भी तो अपने ही है नाम नहीं लिया करते पिताजी कहा करते हैं पिताजी वाह पिताजी क्यों कहा करूं वो कोई मेरे पिताजी थोड़ी है पिताजी हैं वो भी हाँ वो क्यों होते हैं मेरे पिताजी मैंने कह दूं कौन है पिताजी तो फिर वो तुझे खिलौने नहीं लाके देंगे बेटे के लिए सब्जी ये लाओ और ये राजा बेटे के लिए चपाती ये मेरी चपाती हम भी राजा बेटा के साथ खाएंगे ना तो तुम हमारे साथ नहीं खाओगे ना तुम्हारी माँ भी तो हमारे साथ खाएगी ये मालती की चपाती है खाओ मालती ना तुम इनके साथ खाओगी हाँ हाँ बेटा तुम भी खाओ ना इनका बेटा मैं नहीं खा रही अच्छा बेटा तुम खाओ हम अलग से खा लेते ये लो खाओ बेटा अब तो खाओ मस्ती बाद में करना भाई फिर मुझे भी खाना है सुनता ही नहीं है अजीब जानवर है अरे भाई खा प्यारे कितनी बार कहा मुझे प्यारे मत कहा कर कानों को अच्छा नहीं लगता तो फिर क्या कहा करूं प्यारे लाल कहा करना या सिर्फ लाली कह दिया कर अच्छा लाल साहब महाराज बुला रहे हैं आपको खाना नहीं खाना पहले इस टाइगर को तो खिला दूं इसके पेट से बांध दो दूसरों का तो ख्याल ही नहीं करता तू खा लेना जाकर तुम नहीं चलोगे मैं क्या तेरे मुंह में टुकड़ा दूंगा मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी देखियो बात ऐसी बातें मत किया कर क्यों ना किया करूं देख मैं ठहरा हनुमान जी का भगत ब्रह्मचारी तू मेरे सामने आया भी मत कर क्यों ना आया करूं लो अब क्या बताएं इसे किसी से कहना नहीं तुम्हें देखकर शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है भाग यहाँ से कोई देख लेगा मुझे टाइगर के बच्चे को खाना खिलाना है ले मेरे बाप अब भोग लगा जब देखो इस कुत्ते के पीछे पड़े रहते हो इसके पीछे नहीं पड़ूं तो क्या तेरे पीछे पड़ूं अरे तो मैं कब कहती हूँ मैं सब समझता हूँ जो तू कहती है जा यहाँ से अपना काम कर तू बिगड़ते क्यों हो सीधे मुँह से बात भी नहीं करते क्या सीधे मुँह से बात करूँ तुझमें जरा अकल नहीं जब तुझे पता था राजा किसी का झूठा नहीं खाता तो सबका खाना इकट्ठा क्यों रखा तो मुझे क्या मालूम था पुराने मालिक के साथ तो हमेशा खाया करता था पुराने मालिक वारे भगवान या तो मालिक शादी नहीं करते थे और अब जिस बच्चे के लिए शादी की है ना वो बच्चा खुश ना मालिक खुश ना बहुरानी खुश
मुझे सहारा देने वाले हाथ। फिर वही बात, अब तो तुम हो मेरा सहारा। क्यों तुम उदास हो मालती? जी नहीं। तुम्हारी आंखें जो कह रही हैं, जरूर कोई बात है, बताओ ना क्या बात है। मुझे दुख है कि राजा आपका नाम लेता है, आपको गैर समझता है। लेकिन मैं तो उसे अपना समझता हूँ, और नाम लेने में हर्जी क्या है? बहुत से बच्चे प्यार से अपने बाप का नाम लेते हैं, तुम तो खामोखा परेशान होती है। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दो, अगर एक आने में पांच आम तो तुम्हारे चेहरे पर हंसी आने के क्या दाम? अब आई बाहर मालती, मैं तुम्हें हमेशा इस तरह खुश देखना चाहता हूँ। हाथ क्यों लगा दे मेरे माँ के बालों को? तुम पिताजी थोड़ी हो। राजा मालती क्या बेटा बोल? क्या था मुझे, हम तो उससे नहीं बोलते। शोभा ये प्रकाश बाबू है ना, आज माँ के बालों को हाथ लगा रहे थे, और उस दिन माँ के साथ खाना खाने लगे। माँ भी बड़ी वैसी है, उनके साथ खाना खाने लगी। साथ ही क्या राजा, अब तो वो उनका झूठा भी खाएगी। क्यों खाएंगे उनका झूठा, वो कोई पिताजी थोड़ी है। अरे वो पति है तेरी माँ के। पति कैसे कहते? वो मालिक है तेरी माँ के। तो माँ नौकरानी है उनकी, तुम भी तो नौकरानी हो, तो तुम क्यों नहीं खाती हो उनका जूता? अरे मेरे राम अब कैसे तुझे समझाऊं? चल चल सो जा, बहुत देर हो गई, लेट जा। आ आ जा आ। राजा सोचा रे मुने सोचा रे, तेरे अखियों में दिया छाए, सपनों में खो जा रे, राजा सोचा रे। बेटा जुराफ बा, ये मेरे लिए जुराफ है। माँ तुम्हें तो कुछ नहीं आता, कितनी छोटी जुराफ बनाई है, मेरे पैर में भी नहीं आता। ये तेरे लिए नहीं है। और किसके लिए है? तेरे भैया के लिए है। तेरा भैया आएगा। भैया आएगा? माँ भैया आएगा, दवा खाने से मिलता है ना भैया? हाँ हाँ जा तू स्कूल जा, दो भैया लाना माँ दवा खाने से। अरे दो ही तो हो जाएंगे, एक तू एक वो, हो गए ना तो खूब खेला करूँगा भैया के साथ। और हम प्रकाश बाबू कहते थे जब तू बड़ा हो जाएगा तो तुझे सच्ची कबूतर दिला देंगे, खूब गुबाया करूंगा भैया को और तुमको भी गुबाया करूंगा। राजा तुझसे कितनी बार कहा है कि नाम नहीं लिया करते, पिताजी कहा करते हैं। नहीं कहूंगा, वो प्रकाश बाबू है, पिताजी नहीं है। नहीं कहेगा? नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। तेरे ही लाड प्यार ने बिगाड़ा है इसे, बात बात पर हट करता है। हट नहीं करता, उन्हें याद करता है। बेचारे को अब तक उनकी याद आती है। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है मालकिन, लेकिन माँ बाप नहीं मिल सकते। दूसरे के प्यार में बाप का प्यार नहीं। शर्म नहीं आई तुम्हें बच्चे के सामने ऐसी बातें कहते हुए? मैं राजा का सगा बाप नहीं, मगर सगे बाप का फर्ज अदा कर रहा हूँ। मालती का बेटा मेरा बेटा है, खबरदार जो आगे कभी ऐसी हरकत की। इधर आ बेटा। क्या हुआ? मुझे माँ ने मारा है। ऐसा? अच्छा देखो जी, फिर कभी तुमने राजा को मारा तो हम तुमसे बात तक नहीं करेंगे। हाँ हम भी नहीं बात करेंगे। अच्छा तो फिर माफ कर दो। बोलो माफ कर दिया? माफ किया, मगर हम तुम्हें पिताजी नहीं कहने के। राजा कोई बात नहीं, तुम मुझे प्रकाश बाबू कहना। अच्छा हम तुम्हारे पिताजी नहीं, तुम तो मेरे बेटे हो ना, तो पापा दो। सब तुम टाइगर के साथ स्कूल जाओ। बच्चा मार से नहीं पैर से समझा करता मालती।
हमें उसकी मर्जी संभालनी चाहिए। कितनी संभालते हैं आप उसकी मर्जी? ये तो मेरा फर्ज है मालती, ऐसी छोटी छोटी बातों का तुम ख्याल मत किया करो, आगे तुम्हारी तबीयत खराब है। राजा के बर्ताव ने तो मेरी जान ले रखी है, ना जाने क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला। ये क्या पागलपन है, नए कपड़े गीले कर दिए। होली है प्यारे, होली। कहा प्यारे, मैंने कितनी बार कहा कि मुझे प्यारे लाल कहा करो, प्यारे प्यारे, और जो मैं तुम्हें प्यारी कहूँ तो जरा कह के तो देखो। कहूँगा तो क्या ध्यान से मार डालोगी? लो कहता हूँ प्यारी। फिर कहो प्यारी। एक बार और कह दो प्यारी। बोले बोले तो कोई सुन लेगा। अच्छा जी, ये पगला भक्ति आज मैं सारी दुनिया से कह दूंगी कि अकेले में प्यारे लाल मुझे प्यारी कहता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना प्यारी, ऐसा मत करना प्यारी। अब तो कहूँगी, जरूर कहूंगी, हजार बार कहूंगी, सबसे कहूंगी। मैं हाथ ही बचा, मत करना। अच्छा एक बात माननी होगी। बोलो। अकेले में तुम हमेशा मुझे प्यारी कहोगे? कहूंगा, पर देखो मुझे भी अकेले में प्यारा कहा था सबके सामने। अच्छा, और दूसरों के सामने भगत जी कह दूंगी। हाँ चलेगा, चलेगा। लो। अरे अरे मत करो, कपड़े भीग जाएंगे मेरे सारे। अरे टाइगर कहाँ गया था तू? हाँ टाइगर तो तुम्हें जरूर जवाब देगा, राजा को स्कूल छोड़ने गया था और कहाँ जाएगा। अरे हाँ प्यारे, आज खामखा मालिक मुझ पर बरस पड़े। क्यों, क्या बात हुई? अरे बात क्या होगी, राजा उन्हें बाप नहीं कहता, अब बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? और कहेगा भी कैसे? कहेगा क्यों नहीं, उसे कहना चाहिए। अरे वाह, तुम क्या किसी गैर को अपना बाप मान लोगे? क्या बात करती हो, जन्म देने वाले से पालने वाले का दर्जा ऊंचा होता है, वो भी एक तरह का बाप ही होता है। ये कुत्ता समझता है ये बात, तू नहीं समझेगी। कौन लगता हूँ मैं इसका? सिर्फ यही ना कि खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, ध्यान रखता हूँ, इसलिए ये मुझे अपने सगे बाप से भी ज्यादा मानता है। तो तू ही समझा देना राजा को कि मालिक को पिताजी कहा करे। समझ जाएगा, जब बहुरानी के दूसरा बच्चा हो जाएगा तो ये भी उसके साथ उसे पिताजी कहने लगेगा। Congratulations, it's a son. Not yet. नन्ना भैया आया है, दूध मलाई खाया है, दोनों मिलकर खेलेंगे जी, दोनों मिलकर खेलेंगे। बेबिया। अरे भाई तू भी बोल ना, तू क्यों नहीं बोलता? टोपी, अच्छा ये ले टोपी, अब तो बोल ची 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 ची। माँ इसके मुंह में तो दांत ही नहीं है। माँ पिताजी मुन्ना को देखेंगे तो बड़े खुश होंगे। माँ पिताजी के पास कब जाएंगे? जा मुन्ना के साथ जाके खेल। तुझे कैसे समझाऊं राजा, तू तो मेरी जान लेकर छोड़ेगा। डॉक्टर साहब आए मालती। नमस्ते मिसेस प्रकाश, कहो कैसी तबीयत है? ठीक है डॉक्टर साहब। जरा खुश रहा करो और ये सोचना बंद करो, बहुत सोचा करती है। कितनी बार तुम्हें ये बात इनसे कह चुका हूं मगर सुनती कहां है। बुखार कितना डॉक्टर? बुखार तो मामूली है, ठीक हो जाए, लेकिन वही दवाई जारी रखी। वो दवा तो बहुत कर ली है। कोई बात नहीं, आपके मीठे भेज दूंगा, पर ये सोचना बिल्कुल बंद कर। जरा आइए। सुना मालती, राजा की बातों की परवाह मत किया करो, बच्चा सब ठीक हो जाएगा।
क्यों डॉक्टर? खून में कुछ कमी है, हार्ट भी कमजोर हो गया है और दिल पर कुछ बोझ सा मालूम पड़ता है। लेकिन खैर, घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाए। ये क्या है? अरे अरे अरे, ये गोली है बेटी, इसे रख। इसमें गोलियां कैसे भरते हैं? गोलियां कैसे भरते हैं? देखो, पहले इसे यूं खोल देते हैं और फिर ये गोली यहाँ भर देते हैं, बस फिर बंद कर देते हैं। इसे चलाते कैसे? ये घोड़ा दबा देते हैं। घोड़ा? घोड़ा कहाँ है इसमें? अरे भाई, ये है ना एक टांग वाला घोड़ा, इसे दबाया और आदमी मर जाता है। ओ, चिड़िया भी मर जाती है। जिस किसी के भी गोली लगता है सबको ही मर जाता है, समझे? अरे मैं जरा तेल ले आऊं, तुम इसको छूना नहीं है, छूना नहीं। राजे, क्या कर रहे हो पिस्तौल से? छोड़ दो। अभी रहने दो बेटा, जब बड़े हो जाओगे तो गोली भर के छोड़ना। इसमें गोली है प्यारे। पर बैठा, पर बैठा। क्या हुआ, क्या हुआ? मर गया, मर गया, मर गया। क्या हुआ बेटा? राजा ने पिस्तौल चला दी। लगे क्या? कहाँ लगे? मालिक मेरी तनख्वाह गौशाला में भिजवा दे। अरे पर लगी कहाँ गोली, देखूं कहाँ लगी? बच गया शायद, मरा नहीं। पागल कहीं का, बच्चे का उसमें भरी हुई पिस्तौल दे दी। मैंने कहा दी मालिक, उसने खुद ही भर ली। तुम बड़े झूठे हो प्यारे लाल, कहते थे आदमी मर जाता है, कहाँ मरे तुम? गलती हो गई हुजूर, माफ कर दीजिए। फिर ऐसा नहीं करना बेटा, इससे आदमी मर जाते हैं, समझे? हेलो, चलो। पहले जमाने में स्कूल में एक दो खोचे वाले हुआ करते थे, अब तेली तमोली जिसे देखो खोचा लगाए बैठा है, बरकत ही नहीं रही धंधे में। छी 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 छी। चलो, हो गई बीच की छुट्टी। मोती चूर के लड्डू बालू शाही, हलवा सोहन नान खताई। अरे राजा, राजा बेटा, बोलो बोलो क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तेल की मिठाई नहीं खाता हूँ। अच्छा भाई, ना खा। ये तो बता, तेरी माँ का क्या हालचाल? माँ बीमार है। और पिताजी? पिताजी हॉस्पिटल में है। प्रकाश बाबू हॉस्पिटल में? क्या हुआ उन्हें? प्रकाश बाबू ने, मेरे पिताजी। ओ, तेरे पिताजी? वो क्या आएंगे हॉस्पिटल से? क्यों नहीं आएंगे, प्रकाश बाबू कहते जल्दी आ जाएंगे। भला वहाँ जाकर भी लौटा है कोई? वो तो मर गए राजा, अब वो कभी नहीं आएंगे। प्रकाश बाबू ने मार डाला बेचारे को। प्रकाश बाबू ने मार डाला? हाँ हाँ, प्रकाश बाबू ने मारा है। प्रकाश बाबू ने? सच कहती हूँ तू? मैं क्यों झूठ बोलने लगा, प्रकाश बाबू ने मारा है उन्हें। प्रकाश बाबू, कहाँ जा रहे हो राजा? मैं घर जा रहा हूँ। क्लास में नहीं चलोगे राजा? चलो चलो। कैसे समझाऊं राजा को, क्या करूं? बस यही सोच सोच कर ये हाल कर लिया अपना। इन बातों को छोड़ो और अपनी सेहत का ख्याल करो। मैं अब नहीं बचने की। क्या सुख मिला तुम्हें मेरा हाथ पकड़? तुम्हारा सुख ही मेरा सुख है मालती। तुम इंसान नहीं, देवता। मेरे सुख के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया तुमने।
कितने दुख उठाए, कितनी बदनामी सही, और अब राजा। गुजरी हुई बातों को भूल जा मालती। मेरे आंसू तो पोंछ दिए तुम, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर सकी, कुछ ना कर सकी, दुख ही दिया तुमको। तुम अच्छी हो जाओ, यही मेरा सुख है। इस तरह रोया नहीं करते, तुम जल्दी अच्छी हो जाओगी। लो दवा पी लो। ये दवा तो बिल्कुल जहर है। लो। क्यों पिलाते हो माँ को जहर? नहीं बेटा, ये दवा है। नहीं पियो माँ, इसे नहीं पियो, ये जहर है। नहीं बेटा, पिताजी मर गए, तुम भी मर जाओगी। इन्होंने मारा है पिताजी को। राजा, मेरे पिताजी अब कभी नहीं आने के। अपने घर चलो माँ, अपने घर चलो, हम नहीं रहना कहीं। ऐसा नहीं कहा करते बेटा। मुझसे बात नहीं करो, चलो माँ घर चलो। राजा। नहीं बेटा, यही है अपना घर। नहीं, ये अपना घर नहीं है, ये इनका घर है। चलो माँ, नहीं तो ये तुम्हें भी मार डालेंगे। राजा! मालती, मालती। केस बहुत सीरियस होता जा रहा है। राजा सो गए? ये मुमकिन है कल अपनी माँ को घर में ना पाकर वो बहुत परेशान हो। तुम ऐसा करना, सुबह उसको माँ के पास अस्पताल ले जाना। बात
क्या हुआ राजा? मेरे पिताजी हॉस्पिटल में है ना? हाँ राजा। और माँ भी? हाँ बेटा। तुमने मेरे पिताजी को मारा है, तुमने मेरी माँ को मारा है, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हारे माँ अस्पताल में है बेटा, वो अच्छी है। तुम झूठे हो, वो मर गई है, तुमने उसे मारा, मैं तुम्हें मार दूंगा। काश बापू ने माँ को बात डाला, मुझे भी मार डालेंगे, तुझे भी मार डालेंगे। चलो भाग चल। भैया शोभा कहती थी मरकर आदमी लोग बहुत दूर चले जाते, हमारे पिताजी भी बहुत दूर चले गए हैं, चलो हम उनके पास चले, मगर जाएं कैसे? हाँ रेलगाड़ी से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। घर में नहीं है, घर में नहीं है। हाँ सरकार, मैंने सारा घर देख लिया। देख,
कुछ पता चला प्यारे? मालिक उस तरफ भी नहीं मिला। चलो इस तरफ देख। चलिए ठीक है। अरे ये मुझसे देखा नहीं जाए। चलो भाभी चल। मुन्ने बच गया। बम बच गया भाभी। तेरा लाख लाख शुक्र। इसको क्या हुआ? मुन्ने को गाड़ी के पीछे आधा देख के बेहोश हो गया। चलो घर चलो। भैया वो देखो वो ठीक है भैया। अरे माँ माँ हट जा। मैं भी जिंदा हूं, मरी नहीं, लेकिन तू मुझे नहीं जीने देगा, मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। माँ खबरदार जो मुझे मांगा कमबख्त, इन्होंने तुझे अपने सगे बाप की तरह सीने से लगाया, तेरी खुशी को अपनी खुशी समझा और इन पर गोली चलाता है, इन्हें दुश्मन समझता है अपना। गलती मेरी है, शायद ये रास्ता गलत है, लेकिन फिर बहुत से सवाल मेरे सामने आए। उस वक्त के हालात, तुम्हारी बदनामी, मेरा फर्ज और सबसे बड़ा सवाल था राजा का भविष्य, इसकी जिंदगी। फिर मैंने सोचा कि जब एक औरत बच्चे वाले मर्द के साथ शादी कर सकती है तो मर्द के लिए रास्ता गलत क्यों है। मालती, जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा और राजा से प्रेम का नाता जोड़ा था, उस वक्त मुझे यह ख्याल कभी ना आया था कि प्रेम के नाते से खून का नाता बड़ा होता है, मगर आज मुझे मालूम हुआ कि खून का नाता ही सच्चा नाता है। राजा, मैंने तुम्हारे पिताजी को नहीं मारा,
बल्कि खुद को मारकर उन्हें जिंदा रखना चाहा था। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी को पूरा करना चाहा था, मगर तुमने साबित कर दिया कि अमर हमेशा तुम्हारे लिए जिंदा है। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि तुम्हारे पिताजी अस्पताल में, इसलिए कि उनके मरने की खबर देकर तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता। आप ये सब क्या कह रहे हैं मालती? राजा को अपना बेटा बनाकर मैं बहुत खुश हुआ था, मगर राजा को कभी खुश न कर सका। मेरी वजह से दुखी मिला। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से फिर कोई खतरनाक बात कर बैठे, इसलिए मेरा यहां से चला जाना ही ठीक है। यह घर तुम्हारा है, यह घर राजा का है, तुम दोनों खुश रहो, यही मेरी ख्वाहिश है। कहां जा रहे हैं आप? राजा की नजरों से दूर, अपनी तरह किसी बदनसीब सौतेले बाप की आवाज में आवाज मिलाने। सौतेला बाप सौतेले बेटे को अपना सकता है, उसे अपना बेटा मान सकता है, मगर सौतेला बेटा कभी उसे बाप नहीं मानता। मेरा यहां से चला जाना ही मुनासिब है मालती, राजा को सुखी बनाने का यह एक ही रास्ता है। मालती, एक दिन राजा की खुशी के लिए मैं तुम दोनों को इस घर में लेकर आया था, और आज राजा की खुशी के लिए ही इस घर से जा रहा हूं। मगर यकीन करो मालती, मैं राजा का न सही, राजा मेरा है, राजा मेरा बेटा है। पिताजी मत जो, पिताजी मत जो, पिताजी। बेटा बेटा पिताजी राजा को बाप मिल गया, मालती को सुहाग मिल गया, और प्रकाश ने दुनिया को दिखा दिया कि इन तीनों के लिए ये एक ही रास्ता था, एक ही रास्ता। सामने सलोनी आए दिन बहार के, झूमते नजारे झूमे रंग डार के, नदी किनारे कोयल पुकारे, आया जमाना गाओ गीत प्यार के। सामने सलोनी आए दिन बहार के, झूमते नजारे झूमे रंग डार के, नदी किनारे कोयल पुकारे, आया जमाना गाओ गीत प्यार के।